लेकिन मुझे ध्यान में अब आता है वास्तव में यशस्वी प्रधानमंत्री के प्रति आभार माने हम उनका अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी का, जिनने ये देव समान काम है हमारी जिंदगी में मृत्यु और स्वास्थ्य के बीच में देवता की तरह जिनने अपनी भूमिका अदा की, वो सारे स्वच्छता कर्मियों को मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपके बड़े योगदान को स्मरण करता हूं। देवता वो जो सबको स्वास्थ्य दे, उनके जीवन में अगर 10 सुख हमारी भारतीय सनातन पद्धति में माने गया है तो 10 सुख में से सबसे बड़ा पहला सुख है, पहला सुख निरोगी काया है। तो जिसकी निरोगी काया रहेगी, ये निरोगी काया बोलने से नहीं होती, ये हमारे सामाजिक जीवन में व्यवस्थाओं के आधार पर हमारा प्रत्येक दिन में निकलने वाली सूर्य की किरणें जब अपनी लालिमा फैलाते हुए आकाश मंडल को अपने वर्तमान के दौर में वो लालायित नहीं कर पाती, उसके पहले हम अपने बिस्तरों में सोए रहते लेकिन सारे लोग बिस्तरों से उठे नहीं, उसके पहले स्वच्छता कर्मी अपनी ड्यूटी पे आ जाते हैं। कितना उनका एक तरह से ये काम चुनौती भरा भी है, जीवटता वाला भी है, और उनके मन में एक तरह से ये जो हमारे समाज को स्वस्थ रखने का भाव भी, उसमें से कई सारे लोग ऐसे हैं जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कई मैंने आज भी अनुकंपा नियुक्तियां यहां दी है, जैसे मोर्चे पे कोई सिपाही फौज में नियुक्त अपनी ड्यूटी करते करते देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी देता है, अपने आप का बलिदान करता है, ऐसे हमारे स्वच्छता कर्मी अपना बलिदान करके हमको गौरवान्वित करते हैं, हमारे इस पूरे समाज की रचना में वो सबको सुरक्षित रखते हुए अपनी जान की बाजी लगा करके ये जो सेवा करते हैं, ये वास्तव में देवतुल्य कार्य है, इसी को तो देवता कहते हैं। अपने इस पवित्रता के भाव को समाज में पहली बार आपका ये जो अधिकार है, आपका जो दायित्व है, यशस्वी प्रधानमंत्री ने दुनिया में स्थापित किया, इसलिए नरेंद्र मोदी जी को हम अपने इस मंच से भी धन्यवाद देते और आभार भी मानते। इतना पवित्र भाव उनका, जो उनने कहा है कि काश महात्मा गांधी जी के जीवन से जुड़ा हुआ स्वच्छता का ये जो भाव जिसको उनने स्थापित करा, महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन काल में कई सारे काम किए, आजादी की लड़ाई से लगा करके सभी क्षेत्रों में, लेकिन एक व्यक्ति कितने प्रकार के काम करता, और उनने सबसे पहला और महत्व का काम आजादी की लड़ाई का भी करा, लेकिन उसके साथ साथ स्वच्छता को भी उतना महत्व दिया, स्वावलंबन को भी इतना महत्व दिया, और जातिगत विषमताओं को लेकर के जो उनने काम किया है उसने तो भूमिका ही हमारे देश की बदल दी है। आज उनको इस नाते से भी स्मरण करना चाहूंगा कि हमारे अपने स्वच्छता कर्मी जिस वर्ग से भी आते हैं, लेकिन ये वर्ग सदैव वंदनीय है, अभिनंदनीय है, जिनके माध्यम से हम सब अपने देश के अंदर आज महात्मा गांधी जी को स्मरण करते हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने भी माननीय प्रधानमंत्री जी के भाव को लेकर के स्वच्छता कर्मी के काम का महत्व क्या है, 19 सितंबर के दिन उज्जैन में मंच पर देश के सर्वोच्च पद पे बैठी हुई महामहिम राष्ट्रपति जी के माध्यम से हमने स्वच्छता कर्मियों का सम्मान करके उस भाव को आगे बढ़ाया। मुझे इस बात का गर्व है, मंच के ऊपर पहली बार राष्ट्रपति द्वारा हमारे स्वच्छता कर्मी भाई बहनों का सम्मान कराना, ये उस मन के भाव का सम्मान है। जितने बड़े काम को आपके माध्यम से संपन्न कराते हैं हमारे जीवन में, आज ये जो हमारी तो सनातन संस्कृति के समय से, महर्षि वाल्मीकि के जमाने से, अपन कल्पना करो महर्षि वाल्मीकि जी की अगर रामायण नहीं होती तो भगवान राम का वो पुरुषार्थ का पूरा कार्यकाल सबके बीच में नहीं आ पाता। बाद में तुलसीदास जी ने और आगे बढ़ाते हुए हिंदी की धारा के माध्यम से घर घर पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन पहली बार वाल्मीकि जी के माध्यम से संसार में भगवान राम, भगवान लक्ष्मण, उनके जीवन के विविध पक्षों को लेकर के हमारे समाज की अच्छाई को स्थापित कराने में जो योगदान दिया वो अद्भुत था। आज के इस अवसर पर बापू को सच्ची श्रद्धांजलि देने का इससे अच्छा मौका कब आएगा, जब उनने पूरे देश के अंदर 17 सितंबर उनके जन्मदिन से लगा करके आज 2 अक्टूबर तक पूरे देश में पखवाड़ा मनाया,
और पखवाड़े के कितने प्रकार के काम जोड़े हैं। आज हमारे सफाई कर्मियों के साथ इस अभियान को प्रारंभ किया, लेकिन इसके अलग अलग आयाम हैं। कितने कितने प्रकार से स्वच्छता कर्मी अपना काम करते हैं, उन्होंने उदाहरण भी दिया कि अपने जब स्वच्छता अभियान का ये काम खास करके एक पैर उन्होंने आगे बढ़ाया, इस काम को हाथ में लिया, तो कितने प्रकार के लोग मदद करने के लिए आए, कभी कोई कल्पना कर सकता। मैं एक बात अपने लिए खुद के लिए कहता हूं, जब मैं पहली बार विधायक बना, मेरी अपनी सीट से हमारी एक पहले बहन श्रीमती प्रीति भार्गव जी विधायक थी और उनने अपना दर्द बताया। दर्द तो समाज का था, उनके मुखारविंद से निकला। उनने कहा, मोहन जी आप विधायक बने अच्छी बात है, लेकिन आप एक कष्ट को जरूर दूर कराना, ये गांव गांव में सामूहिक शौचालय बनवा देना। तो मैंने कहा, मेरे मन में आया कि मैं शहर में रहता हूं, एकदम से क्यों बनाना। उनने कहा, आपको ये कष्ट मालूम नहीं है, जो बहने गांव में गरीब घर में रहने वाली है, वो अगर शौचालय घर में नहीं होता है, उनके दर्द की कल्पना नहीं कर सकते आप। उनको कष्ट हो जाए, उजाला आ गया, घर में व्यवस्था नहीं है, वो पेट में अपने कैसे कष्ट से उनका दिन निकलता है, इसकी कल्पना करना बहुत मुश्किल है। वो रात का अंधेरे का इंतजार करती है, लेकिन अपने शरीर को बिगाड़ लेती है। ये इतना बड़ा कष्ट था, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, उस कष्ट को हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने महसूस किया। गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले, गली गली, हमारे अपने उस जो न्यूनतम आवश्यकता, जिसको हमने इज्जत घर का नाम दिया, इस इज्जत घर की तरफ समाज का ध्यान आकर्षित कराया। आज पूरे देश के अंदर ये बात हम करते भी है, करके दिखाते भी हैं, और उसके आधार पर हमारी ड्यूटी का भी, शासन का धर्म है कि शासन ऐसे अनछुए पहलुओं को भी हाथ में लेके बढ़े। और माननीय प्रधानमंत्री ने, अब आप बताओ, ये गतिविधियां चलाई, पूरे देश की बात तो छोड़ो, लगभग 413 नगरीय निकाय में 42,500 से ज्यादा स्वच्छता की गतिविधियों का हमने ये आयोजन किया। जोरदार अभिनंदन करो, किसको कहते हैं चार, पहले कोई सोचते ही नहीं था कि ऐसी ये भी कोई गतिविधि हो सकती है, कितना बड़ा आंकड़ा है। 34,000 से ज्यादा जन भागीदारी गतिविधियां हुई है, 2,355 से ज्यादा वृहद स्वच्छता अभियान चलाए गए, जिसमें लाखों नागरिकों ने अपनी भूमिका अदा की है, और खास करके 968 ब्लैक स्पॉट जो जिनको चिन्हित किया गया, उनका उन्मूलन भी किया गया और सौंदर्यीकरण भी किया गया। प्रदेश में 800 से अधिक शालाओं में 1,00,000 से अधिक छात्र छात्राओं के बीच स्वच्छताओं के विभिन्न प्रकार के संवाद के कार्यक्रम आयोजित किए गए, और इसमें जन जागरूकता फैलाने का काम किया, जिसमें बच्चों ने मानव श्रृंखला तक बनाई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने निर्णय किया कि ये स्वच्छता के अभियान में जो भी हमारे नगर निगम में अपनी, इनकी अपनी एक रैंकिंग होना चाहिए, इसलिए स्टार रेटिंग चालू की, और उसके आधार पर 1 से लगाकर 7 स्टार तक जो जिस प्रकार की नगरीय निकाय ने भूमिका अदा की, सबको पुरस्कार देने का प्रयास किया। उसी आधार पर जो 1 नंबर का स्टार पाएगा उसको 1,000, जो 2 नंबर का पाएगा उसको 2,000, सारे स्वच्छता कर्मियों को आज 3 स्टार नगर निगम उज्जैन रही, उसको हमने पुरस्कृत किया, लेकिन उसको नहीं, पूरे प्रदेश के सभी नगर निगम नगरीय निकायों को, जिसकी जो स्टार रेटिंग थी, सबको ये राशि देने का महत्व नहीं, महत्व इस अभियान से जोड़ने का। और उसी आधार पर आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग हमारे अपने उज्जैन में 2,115 सफाई मित्रों को 3,000 रूपये प्रति सफाई मित्र के माध्यम से 63,65,000 की 63,00,000 बहुत बड़ा रकम है। जोरदार अभिनंदन करो, और इसके माध्यम से सभी का मैं इस आंदोलन को, जो जन आंदोलन बना है, मैं आपको सबको बधाई देना चाहूंगा। आज स्वच्छता सिपाहियों का सम्मान भी हमारे लिए कल्याण का एक बहुत बड़ा अलग पक्ष जुड़ता है, और स्वच्छता अभियान में 2,900 से अधिक सफाई मित्रों का सम्मान किया गया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य लाभ की जांच, सरकारी योजनाओं का लाभ, अभी आप कल्पना कर रहे हैं कि एक बहन को, हमारे स्वच्छता मित्र को एक बार केवल नगरीय निकाय में सर्विस मिल गई तो छोड़ दिया, ऐसा नहीं, अलग अलग योजनाओं से जोड़कर भी उनके जीवन में बेहतरी के लिए कौन कौन से प्रकार से लाभान्वित कर सकते हैं, ये सारे काम हमारे बीच में से ये गरीबी और बाकी वर्ग के बीच के अंतर को खत्म करने की शुरुआत है, जिसके माध्यम से सभी क्षेत्रों में सरकार
आपका हाथ बढ़ा करके हाथ थाम करके आपके जीवन की बेहतरी के लिए काम कर रही है। और यही तो सच्चे अर्थों में हमारा महात्मा गांधी जयंती मनाने का महत्व है, यही लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाने का महत्व है, और यही भाव हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज ही लगभग इस पूरे अभियान के माध्यम से 8000 सफाई मित्रों के सुरक्षा शिविरों का आयोजन किया है, जिनमें हमारे इस पूरे अभियान के माध्यम से 2,08,000 से अधिक सफाई मित्र और उनके परिवारजन लाभान्वित हुए हैं। और इसी आधार पर आप कोई कल्पना करता कि स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बनेगा, ये केवल कल्पना मोदी जी कर सकते थे। जोरदार अभिनंदन करो इस माध्यम से भी, स्वच्छता के एम्बेसडर बनेंगे। आमतौर पर ये एम्बेसडर कोई खिलाड़ी होते थे, कोई उद्योगपति होते थे, लेकिन स्वच्छता की जो महत्ता उन्होंने स्थापित की है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आज ये जब आयोजन किया जा रहा है तो भोपाल में ही हमारे अपने भोपाल नगर निगम, ये देश की एकमात्र राजधानी है जो स्वच्छता के नंबर पे एक नंबर पे, जोरदार अभिनंदन करो भोपाल के, हमारे भोपाल के साथ साथ पूरे प्रदेश के गौरव के लिए। राजधानी तो पूरे प्रदेश की होती है, स्थान भोपाल हो सकता है, लेकिन ये गौरव और गर्व देने का मौका आपने दिया है। आज भोपाल नगर निगम में विभिन्न प्रकार के लोकार्पण और भूमि पूजन के काम हुए हैं। 17,74,00,000 की लागत से 3 नवीन गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का आज लोकार्पण किया जा रहा है। 8,75,00,000 की लागत से 125 नवीन CNG डोर टू डोर वाहनों का वितरण किया जा रहा है। जरा ताली वाली भी तो बजाते रहो भाई, जरा मैं कुछ बात बोल रहा हूँ। इसके माध्यम से प्रदेश भर में अभियान चल रहा है और आप तो भोपाल में बैठे हो, आपकी तालियों से बाकी लोग रोमांचित होंगे, आनंदित होंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 4,10,00,000 की लागत से 6 हुक लोडर का लोकार्पण किया है, जिससे कचरा ट्रांसफर स्टेशन में जो आदमपुर छावनी में प्रोसेसिंग प्लांट पे भेजा जाएगा, इसका काम वहां किया जाएगा। 3,90,00,000 की लागत से 6 रोड स्वीपिंग मशीन का वितरण किया जा रहा है। 5 करोड़ की लागत से आदमपुर में रेडरिंग प्लांट, 3 करोड़ की लागत से प्लास्टिक वेस्ट प्लांट का लोकार्पण किया जा रहा है। वो दाना पानी में तो कोकोनट प्लांट का भी लोकार्पण किया जा रहा है। क्या गजब हो गया है, कोकोनट कहाँ होता है और कोकोनट प्लांट कहाँ आ रहा है, गजब हो गया। CSR मद में 2 श्रेडर मशीन, 1 लीटर पीकिंग मशीन, क्या क्या है दुनिया में। पहली बार देख रहा था कि वो पाइप बढ़ा रहे थे और हवा से दौड़ दौड़ के उसमें बोतल कचरा पानी सब अंदर आता जा रहा था। कौन कौन सी मशीनें आ गई, कभी ये स्वच्छता का अभियान नहीं चलता तो माननीय मंत्रीगण, कभी हमारे पूरा मंच से बोलना चाहता हूँ, कभी सोचा था कि ये अपने सामने दिखेंगे, लेकिन ये सारी चीजें विदेश में देखते थे, अब हमको लगता विदेश पीछे रह जाएगा। लेकिन इसके माध्यम से ये जो वर्तमान के समय में कबाड़ से जुगाड़ और गौशालाओं में, तो खास करके जोरदार अभिनंदन करो पूरे प्रदेश के अंदर गौ माता को लेकर के पूरे देश में मध्य प्रदेश आदर्श स्थिति में आ रहा है। जब हमने कहा कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास जिस गौमाता में समाया हुआ है, उसी गौमाताओं के लिए हमारे सभी नगरीय निकाय, अब गया जमाना जब हम कांजी हाउस और क्या बोलते खिड़क बोलते थे, जिसमें हम आमतौर पे व्यक्ति को जेल में रखने के लिए जेल और गौमाता सहित पशुओं को रखने के लिए वो खिड़क और ये भी जेल थी, लेकिन इनको बदल करके उसको आश्रय स्थल के रूप में, गौशाला के रूप में डेवलप कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब हमारी सभी नगरीय निकाय हजारों गाय माता को रखने के लिए आनंद के साथ कदम बढ़ा रहा है। 9,000 गाय, कोई कल्पना कर सके, जोरदार अभिनंदन करो हमारी ग्वालियर नगर निगम के लिए, 9,000 गौ माताओं को बहुत आनंद से रख रहे हैं। और गौशालाओं में भी CNG गैस बन रहा है, प्राकृतिक खाद बन रहा है, गोबर के बहुत सारे उत्पाद बन रहे हैं, गोमूत्र के बहुत सारे उत्पाद बन रहे हैं। हर एक गौशाला में अब बदलते दौर में वो हमारे अपने जीवन के लिए आदर्श स्थिति में बने। और केवल ग्वालियर नहीं, इस क्रम में इंदौर, भोपाल, उज्जैन, आगे चल के जबलपुर, और ये रतलाम के मंत्री जी अभी कह रहे हैं हमारे यहां बनाओ, इनके यहां भी बनाएंगे, और देवास में भी बन रही है, हर नगर निगम के अंदर हर एक जगह। जो गौ माता को वृद्ध होने के कारण से, अपाहिज होने के कारण से है, सतना में भी बनेगी, मंत्री जी आपको कहां छोड़ देंगे, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, अरे आपको कोई भूल सकता है क्या।
अयोध्या के बाद चित्रकूट का ही नंबर आने वाला है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। गौमाताओं के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री ने एक बड़ा प्लांट सीएनजी का उसका लोकार्पण किया है और आज के इस अवसर पर यहां 26 नगर निगम के हमारे कर्मचारियों के परिवार से ये ड्यूटी करते करते कोई कारण से परिवार से खोया है, हमने उनको यहां प्रतीकात्मक रूप से अनुकंपा दिए, पूरे प्रदेश में भी देंगे, कोई व्यक्ति को इससे वंचित नहीं रखेंगे। जैसे हमने कहा कि सीमा पे जवान या हमारा स्वच्छता का जवान, दोनों बराबर है, दोनों में कोई अंतर नहीं। उनका मान सम्मान बढ़े, उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो, समाज में वो अपने इज्जत के साथ काम कर पाए, इसलिए सरकार सदैव उनके साथ खड़ी है। आज अमृत 2 के माध्यम से भी प्रदेश के नगरीय निकायों को बहुत सारी सौगातें मिली है, जिसमें जल प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार, ऐसी अनेक परियोजनाओं का हमने लोकार्पण भूमि पूजन करने का मौका लिया है। इसलिए हृदय से मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। प्रदेश में नगरीय निकायों में अमृत 2 के माध्यम से 12,000 करोड़ की लागत से स्वच्छता, जल प्रबंधन, बुनियादी सेवाओं के सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं निर्माणाधीन है। स्वच्छता दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सागर में 299 करोड़ 10 लाख की लागत से सीवरेज परियोजना का भी आज उद्घाटन किया गया, मैं सागर वालों को बधाई देना चाहूंगा। साथ ही 136 करोड़ 51 लाख की लागत से सिवनी और छिंदवाड़ा में भी आज जल प्रदाय योजना का भूमि पूजन हुआ है, जोरदार अभिनंदन सिवनी और छिंदवाड़ा के लिए भी। अमृत 2 में प्रदेश के सभी 413 नगरी निकाय और 5 केंट छावनी परिषद के साथ 28 लाख घरों तक जल पहुंचाने का जो संकल्प लिया, जोरदार अभिनंदन करो अगर ये पूरा काम होगा जिस काम के लिए हम यहां बैठे हैं। प्रदेश में 1 लाख से अधिक आबादी वाले 33 शहरों में 24 घंटे अभी तक तो 2 दिन छोड़ के 3 दिन छोड़कर 1 दिन में एक बार, लेकिन ये कल्पना ही कितनी जोरदार है, 1 लाख से बड़ी आबादी वाले योजना में अमृत 2 के सारे काम कंप्लीट होंगे तो 24 घंटे जल देंगे, इसमें सरकार लगी हुई है और माननीय मोदी जी का हमको आशीर्वाद मिल रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, विदिशा में भी आज सीवरेज परियोजना का भूमि पूजन हो रहा है, जोरदार अभिनंदन करें हमारे विदिशा के लिए भी। प्रदेश के 33 शहरों में सीवर लाइन बिछाने का काम भी चल रहा है, इसके माध्यम से सीवर लाइन के माध्यम से 12 लाख घरों को सीवर से जोड़ करके गंदगी से मुक्त बनाएंगे, मैं सभी शहरों के लोगों को बधाई देना चाहूंगा। प्रदेश सरकार द्वारा भी 249 करोड़ की लागत से 19 निकायों में सीवरेज एवं जल प्रदाय योजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण किया जा रहा है। मैं बोलने के लिए तो बहुत देर तक बोल सकता था, लेकिन हम बहुत देर से बैठे हैं, लेकिन आइए हम सब मिलकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता के संदेश को जीवन में उतारने का संकल्प लें, स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ भारत के निर्माण में अपना योगदान दे। आइए एक बार मैं फिर आप सबको बधाई देता हूं, एक बार फिर आपका अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, भारत माता की जय। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके अमृत वचनों के लिए, आपकी घोषणाओं के लिए। मैं आग्रह करना चाहूंगी माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी से कि वे कृपया करके आभार प्रस्तुतिकरण देने की कृपा करें। भोपाल है, भोपाल में रहेंगे तो कोई छोड़ने थोड़ी देते हैं। महापौर जी ने 2 बातें मांगी है, आपने कहा कि भोपाल राजधानी जरूर बना है, लेकिन भोपाल में आकर के अलग अलग द्वार से जब भोपाल में प्रवेश करे तो लगे कि हाँ ये भोपाल हमारा है। तो भोपाल के प्रत्येक मार्ग पे द्वार बनाने की मैं घोषणा करता हूँ, और जो हमारी कला संस्कृति से जुड़े हुए इतिहास के गौरवशाली पृष्ठ है, कोई द्वार राजा भोज के नाम से जाना जाएगा, कोई द्वार विक्रमादित्य के नाम से जाना जाएगा, कोई सम्राट अशोक के नाम से जाना जाएगा, कोई भगवान राम के नाम पे जाना जाएगा, जिन जिन का इतिहास जुड़ा, कोई भगवान कृष्ण के नाम से जाना जाएगा, जो जो मध्य प्रदेश से जिन जिन का इतिहास जुड़ा है, प्रत्येक द्वार को जोड़ करके राजधानी को गौरवान्वित करने का मौका लाने के लिए मुझे लगता है आज से बेहतर कौन सा दिन हो सकता है। प्रत्येक द्वार को बनाने की मैं घोषणा करता हूं।
साथ ही साथ आपने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रतिमा स्थल पर नमो उपवन बनाने का काम है, इसमें जो भी पैसा लगेगा सरकार के द्वारा वो भी राशि दी जाएगी। हमारे लिए ये गौरवशाली क्षण है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऐसे महापुरुषों की वहां प्रतिमा लगी हुई, जिनके माध्यम से गणतंत्र को मजबूत करने के लिए पहली बार हमारे अपने राजनीतिक दलों को अपनी विचारधारा पे और देश के सामने वाले उठने वाले बड़े से बड़े खराब प्रश्नों को लेकर के एक जनसंघ के जमाने के छोटे से दल ने कश्मीर जैसे बड़े विषय को उठा करके दुनिया के सामने अपना ना केवल उस विषय को जनता के सामने लाए बल्कि डॉक्टर मुखर्जी ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया। निश्चित रूप से वहां हम उपवन बनाने में मदद करेंगे। मेरी अपनी ओर से महापौर जी की ये सारी बातों को मैं यहीं से स्वीकृत करने की घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आज के स्वच्छता और सेवा ही पखवाड़ा के समापन सत्र पर मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूं और आपका विशेषकर धन्यवाद इसलिए भी करती हूं कि करोड़ों की राशि आज आपने भोपाल के विकास के लिए दी और जब शुभारंभ किया था उस लिए हमारे सफाई मित्रों को पाँच हजार रुपये की हिसाब से और 4 करोड़ रुपये की राशि सफाई मित्रों को दी थी। इस दोनों के लिए मैं आपका महापौर होने के नाते हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ मंत्री भाई विश्वास कैलाश सारंग जी, प्रभारी मंत्री भाई चेतन कश्यप जी, हमारी इस विभाग की मंत्री बहन प्रतिभा बागरी जी, हम मध्य प्रदेश शासन की मंत्री बहन कृष्णा गौर जी, हमारे सांसद भाई आलोक शर्मा जी, मंच पर उपस्थित विधायक भाई रामेश्वर शर्मा जी, मंच पर उपस्थित विधायक एवं प्रदेश महामंत्री भाई भगवान दास सबनानी जी, मंच पर उपस्थित